वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत से गए। तो आज मैं फिर से एक बार कुकिंग करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को दो ऑर्डर मिले हैं और दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अपने शॉप में चलते हैं और यहाँ पे चलकर यहाँ पे ऑर्डर्स लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन आया है? यहाँ पे आया है बड़ी बहन। और बोलो बड़ी बहन, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे दो ऑर्डर चाहिए। तो अभी लो, यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। पहला ऑर्डर इसने जो दिया है वो कंप्लीट करते हैं, और दूसरा ऑर्डर भी इसका कंप्लीट कर देते हैं। तो उसको बना कर मैं इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखे आटे में, इसमें मैंने भून दिया, तो गर्म तेल को गर्म करते हैं और यहाँ पे इसमें उसको डाल देते हैं। तो उसको इसमें डाल देते हैं ताकि अच्छे से ये बन जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है बन गया, तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसके प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया तैयार, एक डिनर हो गई तैयार। तो दूसरा डिनर देखते हैं क्या है जिसे में। और दूसरा लगता है इसको, यानी कि इसके नूडल्स हैं, और नूडल्स को भी तैयार करना पड़ेगा। तो नूडल्स का आटा मैंने भून लिया। अब यहाँ पे गाजर भी अच्छे से छील लेते हैं, और छीलने के बाद यहाँ पे काट देते हैं ताकि सूप में डाल सकें, तो उसके नूडल में। और यहाँ पे मैं अंडा भी फोड़ देता हूँ, और यहाँ पे अंडे को मिक्स कर देता हूँ ताकि ये पे हो जाए। तो यहाँ पे गर्म तेल में फिर से इसको दिल को रख देता हूँ, और यहाँ पे अंडे को बीच में यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर लेता हूँ ताकि वहाँ सूप के ऊपर रख सकें। तो ये अंडा भी फ्राई हो चुका, और अब मैं देखा आटा इसके ऊपर रखते हैं मशीन के, और नूडल्स बनाते हैं। और यहाँ पे नूडल्स भी बन गए। अब गर्म पानी में यहाँ नूडल्स डाल देंगे ताकि यहाँ हो जाए, और यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे गाजर भी थोड़ा डाल देते हैं, और थोड़े मसाले वो भी डाल देते हैं। तो मुझे लगता है सूप तैयार हो चुका है, और यहाँ पे इस बार वाले पसीले में यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे इस अंडे को यहाँ पे इसके ऊपर रख देता हूँ। तो दोनों सब्जियाँ तैयार हो चुकी हैं, और दोनों अच्छे लग रहे हैं बहुत। और यहाँ पे मैं जो खा रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। शॉप पड़ा, तुमने तो बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं। मुझे तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे जूस चाहिए और यहाँ पे सैंडविच। तो यहाँ मैं तुम्हारा ऑर्डर तैयार कर रहा हूँ, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा ऑर्डर तैयार कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों का ऑर्डर नहीं लूँगा तो किसको लूँगा? तो यहाँ पे सूप बस तैयार हो ही चुका, और बस थोड़ा सा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, और यहाँ पे दूध भी डाल देता हूँ तो मैंने बनाया था, और खीर के साथ ये मिक्स हो चुकी। तो यहाँ पे खीर फ्रूट तैयार हो चुका। अब यहाँ पे और क्या बनाना है? और सैंडविच उसका बनाना है। तो ये सारे मसाले इसके ऊपर मैंने पहले ही बना के रखे थे, अब मसाले तैयार करके और इसका सैंडविच बना देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं लगा देता हूँ और सैंडविच को तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से ऊपर इसके सारी चीज़ लगाते हैं, तो ट्रिपल सैंडविच तैयार होने ही वाला है। बस थोड़ा सा और थोड़ा सा इंतज़ार करो, और तुम्हारा सैंडविच तैयार होने ही वाला है। तो गाइस, वीडियो कैसी लग रही है? पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना। और यहाँ पे ये हो चुका, अब इसके ऊपर भी सारी चीज़ें रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। चीज़ें रख दी हैं ऊपर, और यहाँ पे ये सैंडविच भी तैयार हो चुका है और उसका जूस भी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे खाना इसलिए स्टार्ट करते हैं। ओ इसको खाने में। ओ ये तो मेरी खीर है, मेरी फेवरेट, मेरी पसंदीदा खीर। वाह मैं तो बहुत मज़ा कर रही हूँ। वाह मैं तो इसको भी खा लूँगी, चट कर लूँगी। तो वीडियो कैसी लगी हमारी? पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा देना, और मेरी वीडियो को